ओए मोदी, कैसा है तू? अरे बढ़िया हूँ, बढ़िया। तू कैसा है? हाँ ठीक हूँ। और मेरे लिए बिलायती दारू लाया है अरे लाया ना? हूँ ना, वो चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। मिल के पियेंगे, तुम सबको भी पिलाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अरे हाँ, मैं अपने देश से कुछ बेरोजगार लेके आया हूँ, इन्हें अपने देश में नौकरी दे देना। ये मोहन है, MBA पास है। ये राजीव है, इसने CA किया है। ये शिवम है, इसने IIT किया है। ये सोहेल है, पॉलीटेक्निक किया है इसने। राजीव ने BBA किया है। ये नौशाद है, इसने इंजीनियरिंग की है। ये फैसल, इसने MSc किया है। और ये उमर है, इसने कंप्यूटर कोर्स किया है। ओ बस कर यार, हाथ थक गए। हम यहाँ मजे करने आए हैं, इन भूखों को नौकरी देने। चल बैठ। और तुझे पता है, मुझे इंडिया का एक म्यूजिक बड़ा पसंद है। देख अभी मैं तुझे सुना कर बताता हूँ। ये दिमाग से हटा लगता है। वो यार ठीक से नहीं हो पाया, दोबारा गाता हूँ। वो रहन दे, आज मेरा शायद गला ख़राब है यार, माफ़ कर दे। और तुझे पता है, मैं इस धुन को जब भी गाता हूँ ना, तो मतलब आनंद ही आ जाता है। और आनंद मेरे सांप का नाम है, पेट नेम। देख भाई, मैं तेरे लिए एक ही बात बोलूँगा कि पहले तो अपने दिमाग की जांच करवा, इलाज करवा, और जल्दी से जल्दी ठीक हो जा। और ऐसे गाने कम सुना कर। और अगर गाना सुनना ही है तो थोड़े अच्छे गाने सुना कर यार। मैं तुझे एक गाना नाम बताता हूँ उसका, जो है जल्दी कुड़ी कतरा दी मैन मैनू बिजली बिजली कहनी। ये गाना काफ़ी चल रहा है इस टाइम, बहुत ट्रेंडिंग में। और दूसरा गाना मैं तुम्हें बताता हूँ, किशोर कुमार का है वो। किशोर कुमार को तुम नहीं जानते होगे, वो हमारे देश के बहुत पुराने गायक हैं। बचपन में हम उन्हीं के गाने सुनते थे, और उन्हीं के गाने सुनकर लड़कियाँ भी छेड़ते थे। अभी मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। ऐसे गाने गाकर हम अपने ज़माने में लड़कियां पटाते थे, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो पट भी जाती थी, फिर खेतों पे ले जाते थे। और आपको मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे घर के सामने एक लड़की रहती थी, उसका नाम था डिम्पल, और उसके गाल पर नहीं था एक भी पिंपल। उसके लिए मैं यही गाना गाता था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुकड़ा रहता है, अफसोस यह है कि वो मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अब क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उस समय मैं दारू बहुत पीता था। और एक दिन मैं दारू पीकर आया और मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन डिम्पल की माँ ने पहली बार डाई लगाकर बाल काले किए थे, और लाल साड़ी में बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। और अब मैं तो नशे में पूरी तरह से धुत था। और आपको तो पता ही होगा पुतिन जी, कि नशे में इंसान की उत्तेजनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए मैंने सीधा उसे गोद में उठा लिया, और जब मुझे होश आया तो मैं जेल में था। ओ नशे में भाई ने बड़ा ज़ोरदार काम कर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर। मैं तुमको अपने कॉलेज की कहानी बताता हूँ, कि मुझे भी तुम सब की तरह ना एक लड़की से प्यार हो गया, जेन्युइन, मतलब सच्ची वाला प्यार, मतलब अंदर से सच्ची वाला प्यार। और मैं उसको कई बार डेट पर ले गया, कई बार शॉपिंग भी कराई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है। मैं उसे नहीं जानता था। और एक दिन नशे में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसको मतलब अपनी वाली समझकर मैं उसके साथ सो गया। और फिर 9 महीने बाद ही ये मुझे पता चला कि वो एक बच्चे की माँ बन चुकी है। खैर छोड़ो, मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, हो सकता है वो ये शो देख रही हो।